नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ JBL Flip 4 के स्पीकर्स। ये जो स्पीकर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही में स्क्रीन पे भी आपका नंबर दिखाई देंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, ये JBL के ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, Flip 4 के ये स्पीकर्स हैं, 4 ओम्स के स्पीकर्स हैं, आप देख सकते हो। और बड़े ही प्यारे स्पीकर हैं यार दोस्तों, परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बढ़िया है। ये जो है नियोडियम ट्वीटर्स हैं, बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त ट्वीटर्स है दोस्तों। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अलग है, और 8 ओम 15 वॉट्स के ये ट्वीटर्स हैं, छोटे और कॉम्पैक्ट है और बहुत ही अलग इनकी क्वालिटी है। तो इन स्पीकर को चलाने के लिए, मैं टेस्टिंग करने के लिए ये एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ ले रहा हूँ। तो ये जो है 50+50 वॉट में आता है, बट मैं इसको इतनी मैक्सिमम पावर नहीं देने वाला हूँ। मैं लगभग 10 वाट के समथिंग ही मैं इससे पावर कंजप्शन लेने वाला हूँ। इन स्पीकर्स को चलाना चाहते हैं तो आप एक 10+10 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड यूज लीजिए। 10+10 वाट के एम्पलीफायर के साथ ये बहुत अच्छे वर्क करेंगे। इस एम्पलीफायर के साथ ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वाट का एम्पलीफायर है, और ये मैंने वॉल्यूम मैंने फिक्स कर ली है। तो पहले मैं आपको ट्वीटर्स की टेस्टिंग करा देता हूँ। तो दोस्तों, देखा यार, इन ट्विटर्स की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, प्रीमियम क्वालिटी के ट्विटर्स हैं भाई। इनकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, मतलब बहुत डिफरेंट ट्विटर है। आराम से आप इन्हें 30-40 वाट के एम्पलीफायर बोर्ड पे चला सकते हैं। आपको बस एक कैपेसिटर यूज़ लेना होगा, और या क्रॉस ओवर आप यूज़ लेंगे तो आपको और भी इनों से बहुत अच्छी आवाज़ देखने को मिलेगी। इस कैपेसिटर के साथ में वही इनों की आवाज़ बहुत प्यारी आ रही है। तो इनों की टेस्टिंग तो हो ही गई है, चलो अब हम JBL Flip 4 की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बनाया। तो ये एक स्पीकर का इनक्लोजर है, और ये मैंने क्रिम बनाई है जिसको मैंने दोनों तरफ फॉर्म लगा रखा है। और अभी यहाँ मैंने सेलेक्ट करके स्पीकर्स को यहाँ प्लेस करता हूँ, इससे क्या होगा एयर लीक नहीं होगी। तो अभी स्पीकर्स के वायरिंग्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ से मैंने वॉल्यूम के गेन को भी थोड़ा सा 70% के समथिंग ही कर रखा है, ताकि मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो लगभग 20 से 25 वाट के आसपास आउटपुट मिलेगी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखो एयर लीक हो रही है, तो थोड़ा मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। एयर लीक होने की वजह से हमारे साउंड पे बहुत फर्क पड़ता है, फड़फड़ की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देती है।
दोस्तों हमारे JBL Flip 4 के जो स्पीकर है बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। ऑडियो जो इन्होंने की है बहुत ही प्यारी है। सिर्फ आप इन स्पीकर से एक बहुत ही पोर्टेबल और अच्छा सिस्टम बना सकते हो। बस आपको एक पैसिव रेडिएटर की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने मिड हाई और बेस बहुत क्लियर है। बेस तभी अच्छा आपको मिलेगा जब आप पैसिव रेडिएटर यूज लोगे, और साथ ही में एक 10+10 वाट का एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड आपको चाहिए होगा। इस तरह का बोर्ड तो दोस्तों भूल के मत लगा लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा वाट्स का एम्पलीफायर बोर्ड है। इसके साथ में तो स्पीकर बंद हो जाएंगे, बट मुझे टेस्टिंग ही करनी थी और मैंने थोड़ा वॉल्यूम भी कम रखी थी, इस वजह से मुझे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी आप 10+10 वाट एम्पलीफायर बोर्ड यूज ले सकते हो। अगर आप ऐसा पैसिव रेडिएटर भी खरीदना चाहते हैं तो आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आपको उनके नंबर मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों परचेस करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं, आपको पसंद आते हैं तो आप ऑर्डर कर दीजिए, 100% आपको डिलीवरी होगी। प्राइसिंग वगैरह क्या है आप उनके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक कर दो, फ्री है लाइक का बटन, फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।